तो सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करके फ़ोटो ऐड करेंगे। इस वाले फ़ोटो का बैकग्राउंड मैंने पहले से ही इरेज कर रखा है। अगर आपको पता नहीं कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं तो बैकग्राउंड इरेज करने वाली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल इसे एडजस्ट कर लेंगे बराबर से। ओके, फिर उसके बाद जाएंगे लेयर में और एक एम्प्टी लेयर बना लेंगे। यहाँ पर एम्प्टी लेयर बनाने के बाद जाएंगे ब्रश में और यही ब्रश सिलेक्ट रखेंगे और इसे सेट कर देंगे। फिर जाएंगे कलर में और यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर लेंगे हम। ओके, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जाएंगे लेयर में और थ्री डॉट्स पर क्लिक करके और ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसकी साइज़ बढ़ा देंगे फुल। और डन कर देंगे। फिर उसके बाद डन कर देंगे। फिर जाएंगे ऐड फोटो में और ये स्नो वाली पीएनजी ऐड करेंगे। सॉरी, ये नहीं, ये वाली। इसकी साइज़ बढ़ा देंगे और जो एक्स्ट्रा वाली उसे इरेज कर देंगे और डन कर देंगे। फिर जाएंगे टूल्स में और एडजस्ट में जाकर इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। फिर जाएंगे इरेजर में और इसको इन्वर्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ब्राइटनेस। ब्राइटनेस कम कर देंगे। ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा और डन कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से जाएंगे ऐड फोटो पे और ये वाली पीएनजी ऐड करेंगे। तो ये वाली पीएनजी ऐड करेंगे हम। उसके बाद इसको ब्लेंड में जाएंगे और इसे ऐड कर देंगे और साइज़ बढ़ा देंगे इसकी और यहाँ पर इसे एडजस्ट करेंगे। फिर जाएंगे एडजस्ट में और ह्यू पर क्लिक करके इसका कलर थोड़ा चेंज करेंगे। सैचुरेशन बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस भी बढ़ा देंगे इसकी। फिर डन कर देंगे। फिर से जाएंगे ऐड फोटो पे और टेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे इस पे। इन सब की लिंक मैं बैक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, फिर डन करेंगे और इस फोटो को सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे इस फोटो को लाइटरूम में ओपन करेंगे। तो लाइट रूम में आ चुके हैं। फिर जाएंगे ब्राइटनेस में और इसके एक्सपोजर बढ़ा देंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, शेडोज़ को कम कर देंगे, वाइट्स को बढ़ा देंगे, ब्लैक्स को कम कर देंगे। फिर उसके बाद जाएंगे टेम्परेचर में और उसका टेम्परेचर कम कर देंगे -12 तक, सॉरी 10 तक, और सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा देंगे। फिर जाएंगे टेक्स्चर में, टेक्स्चर बढ़ा देंगे, इसका क्लैरिटी थोड़ी बढ़ा देंगे, बिगनेट कम कर देंगे। ओके, और शार्पनिंग बढ़ा देंगे इसकी। फिर जाएंगे प्रोफाइल्स में एंड मॉडर्न 10 वाली प्रोफाइल इस पर ऐड करेंगे। फिर इसको करेंगे डन। तो ये हो गई हमारी फ़ोटो रेडी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
We'll be right back.